मैं जनरली लिख रहा हूं, इसमें हम लोग थोड़ा और डिटेल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ROH है और मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूं HCl के साथ में, ठीक है। अब प्रॉब्लम देखो कैसे है कि हमने अभी बताया था कि HNCl जो है उसमें जनरली बॉन्ड जो होता है वो शॉर्ट होता है, भले वो पोलर हो लेकिन वो शॉर्ट होता है कंपेयर टू द HI एंड HBr, ठीक है। तो नेचुरली HCl को ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो जनरली यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड HCl सपोज ले लिया और उसको रिएक्शन को थोड़ा हेल्प करने के लिए वहां पे कैटलिस्ट ऐड कर दिया, दैट इज ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2, जिंक क्लोराइड वहां पे यूज किया जाता है, ठीक है। जब अनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में जब HCl अल्कोहल के साथ रिएक्ट होगा, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू द RCl। और यहाँ पे देखो कैसे, देखो RCl तो यहाँ पे निकल क्या रहा है, देखो OH और इसका क्या बाकी है, H बाकी है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, H2O बन जाएगा, ठीक है, फाइन। तो ये सिंप्लीफाइड रिएक्शन है, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि जब किसी अल्कोहल के साथ में आप HCl अटैच करते हो, तो HCl अटैच करते वक्त वहां पे जनरली क्या यूज करो, अनहाइड्रस ZnCl2 ऐड करो। बट लेकिन अगर ये अल्कोहल में हमने कुछ टाइप्स ले लिए, जैसे कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शियरी अल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल किसे कहा जाएगा, देखो CH3OH ले लिया तो ये प्राइमरी बन गया, यहां पर मैंने CH3CCH3CHOH ले लिया तो ये सेकेंडरी बन गया, और ये कौन सा है CH3/3COH ले लिया तो ये कौन सा बन गया, टर्शियरी। कैसे, जैसे हमने अल्किल हैलाइड्स में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बताए थे, तो हैलाइड की जगह क्या आ गया, अल्कोहल आ गया, हो गया, देखो इट्स वेरी सिंपल। ये कौन सा कार्बन है, प्राइमरी, तो अल्कोहल कौन सा बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। ये कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी, तो अल्कोहल कौन सा बन गया, सेकेंडरी। ये कार्बन कौन सा है, टर्शियरी, तो अल्कोहल कौन सा बन गया, टर्शियरी। इज दैट ओके, ठीक है। तो अब होगा ये कि जब हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में OH को निकालते हैं, ठीक है, मैंने समझो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करना शुरू कर दिया, यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो ये क्या बना, निगेटिव। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, दैट इज CH3 पॉजिटिव बन गया और यहाँ क्या बना, OH निगेटिव बन गया। यहाँ पे जब मैं टर्शियरी के पास में जाता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, तो यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3C विद पॉजिटिव और क्या बनेगा, OH निगेटिव। अब जब पर्टिकुलर रिएक्शन हम लोग HCl के साथ करेंगे तो अल्कोहल की भी रिएक्टिविटी चेक होगी, HCl की तो वैसे भी चेक होने वाली है, क्योंकि अल्कोहल तो बदल सकता है, HCl तो वही है, ठीक है। लेकिन जब HCl डिफरेंट टाइप के अल्कोहल के साथ में जब रिएक्ट होगा, तो अल्कोहल की अगर रिएक्टिविटी कम ज्यादा हो जाती है तो रिएक्शन का स्पीड भी हो सकता है कि वो कम ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो यहां पे देखो ये जो CH3 पॉजिटिव बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है। और यहां पे मैंने जो लास्ट एग्जांपल लिया उसमें ये कौन सा बन रहा है, टर्शियरी कार्बोकैटायन बन रहा है। अभी मैंने बताया आपको कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शियरी वाला। टर्शियरी वाला अगर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है तो वो आसानी से रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जा सकता है, क्योंकि वो आसानी से बन जाएगा। ये आसानी से नहीं बनेगा, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता ही कैसे है, ये अनस्टेबल बनता है। अनस्टेबल बनता है मतलब बनने के प्रोसेस में वो थोड़ी सी डिफिकल्टी क्रिएट करेगा, या फिर बनने के प्रोसेस में वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा। अगर ये सी पॉजिटिव ही बन नहीं रहा तो नेचुरली रिएक्शन आगे बढ़ेगी कैसे। सो नेचुरली जब हम लोग टर्शियरी कार्बोकैटायन की रिएक्शन HCl के साथ करेंगे तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि अल्कोहल खुद ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन भाई अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल के साथ में उसकी रिएक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल में CH3 पॉजिटिव वो खुद अनस्टेबल है, मतलब ये अल्कोहल कैसे बन गया, लेस रिएक्टिव बन गया, क्योंकि वो कार्बोकैटायन कौन सा बना रहा है, अनस्टेबल। तो ये अगर लेस रिएक्टिव है तो नेचुरली रिएक्शन भी कैसे होगी, स्लो होगी। स्लो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए वहां पे क्या है, किसका यूज किया जाता है, अनहाइड्रस ZnCl2। अगर वही रिएक्शन मैंने इसके साथ कर ली तो ये कैसा है, ये तो हाईली रिएक्टिव है, तो हाईली रिएक्टिव है तो नो प्रॉब्लम, ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और आसानी से आपको क्या कर देगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। इसलिए ओके, तो ये इसको हम लोग अल्कोहल में भी डिस्कस करेंगे फिर से एक बार, लेकिन यहाँ पे हमें अल्कोहल से हेलो अल्केन्स बनाने थे, इसीलिए हमने अल्कोहल में भी ये टाइप देख लिए। अल्कोहल सिर्फ एक टाइप का नहीं होता है, वो भी तीन टाइप के होते हैं, और जनरली क्या होता है, टर्शियरी अल्कोहल इट इज हैविंग अ ग्रेटर रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू द सेकेंडरी अल्कोहल, हैविंग अ ग्रेटर रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू द प्राइमरी अल्कोहल। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है, और रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से अगर हम लोग देख ले तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में अगर मैंने यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल ले लिया तो आसानी से रिएक्ट हो जाएगा, वही अगर मैंने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया तो आसानी से रिएक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से मुझे वहां पे कंडीशंस अप्लाई करना नेसेसरी हो सकता है, ध्यान में आ रहा है। तो दैट वाज द केस कि वेयर वी जनरली अप्लाई द HCl विद द अल्कोहल
टू फॉर्म दी हेलो एल्केन। ये ठीक है, ये सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे जनरली क्या होने वाला है, OH गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय द Cl, दैट्स ओके फाइन। लेकिन HCl की रिएक्टिविटी की वजह से वहां पे हमें अनहाइड्रस ZnCl को यूज करना जरूरी बनता है। ये भी चीज एक नोट कर लो कि जहां पर हम ये मिक्सचर यूज करते हैं, कौन सा वाला देखो, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2, ये जो रिएक्शन मिक्सचर होता है, ये जो हम लोग यूज करते हैं रिएजेंट, इसे जनरली कहा जाता है लुकास रिएजेंट। इसे क्या कहा जाता है, लुकास रिएजेंट। ये अल्कोहल में फिर से आएगा हमारे पास में, ठीक है, हम लोग जब अल्कोहल डिस्कस करेंगे तो टेक केयर ऑफ दिस वन। कॉन्सेंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 को क्या कहा जाता है, लुकास रिएजेंट। और ये किस काम में आता है, ये किस काम में आता है, ये सिर्फ एक ही काम में आता है, ऐसा कह सकते हैं कि ये एक काम करेगा कि जब भी आपके सामने अल्कोहल आएगा तो अल्कोहल में से OH को कैसे रिप्लेस करेगा, Cl से ही रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन से नहीं, क्योंकि आप यूज क्या कर रहे हो, HCl यूज कर रहे हो, तो नेचुरली OH कैसे रिप्लेस होगा, Cl से। और मिलने वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा, क्लोराइड रहेगा हमेशा। सो दैट इज व्हाट इट इज, अल्किल क्लोराइड ही बनेगा, ब्रोमाइड आयोडाइड नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास में रॉ मटेरियल में HCl है, ठीक है, इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन बनती है, फाइन। इसे मैं इस तरह से लिख लेता हूं फिर से एक बार, कि अगर मेरे पास में फर्स्ट रिएक्शन दैट इज ऑफ CH3OH है और मैं इसको HCl के साथ रिएक्ट करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl, ठीक है, अनहाइड्रस ZnCl2 के साथ में अगर मैं रिएक्ट करता हूं तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, CH3Cl और क्या निकल जाएगा, H2O। ये होगी पहली रिएक्शन, ठीक है। दूसरी रिएक्शन हम लोग इस तरह से ले लेते हैं कि हम लोग आयोडाइड के साथ में रिएक्ट करके देखते हैं, ठीक है, Br का तो भी ठीक है, HBr के साथ में भी रिएक्शन कर लिया हमने CH3OH with HBr, तो भी क्या होने वाला है, वही होगा, Br निकलेगा, OH सब्स्टिट्यूट होगा और यहाँ पे क्या होगा, CH3Br बन जाएगा, सो दैट इज ऑफ H2। ये रिएक्शन इस तरह से, लेकिन HBr की रिएक्टिविटी कंपेयर टू द HCl कैसे होती है, ज्यादा होती है, तो नेचुरली यहाँ पे रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। वही अगर मैंने तीसरा ले लिया, सपोज आयोडाइड मुझे बनाना है, तो आयोडाइड बनाते वक्त क्या होगा, देखो CH3OH, यहां पर HI नहीं लेना है, यहां पे जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, OH को सब्स्टिट्यूट किया जाता है आयोडीन से, तो जनरली यहां पे क्या यूज करो, KI यूज करो, ठीक है, KI जब यूज करोगे तो इट इज कन्वर्टेड इनटू CH3I। तो ये रिएक्शन ये लिटरेचर में रिपोर्टेड है कि जहां पर हमें आयोडाइड बनाना होता है अल्कोहल से, तो वी जनरली वी व्हाट जनरली यूज इट इज ऑफ KI, ठीक है। सो इट इज अ सिंपल एट रूम टेम्परेचर अल्कोहल को KI के साथ में जब शेक कर दिया तो भी आपके पास में आयोडाइड बन सकता है, ठीक है। सो दैट इज अ रिपोर्टेड रिएक्शन, फाइन। सो दीज आर द सिंपल रिएक्शन वेयर द अल्कोहल इट इज ट्रीटेड विद व्हाट, हेलो एसिड्स, HCl HBr, ठीक है, HCl और HBr, इसमें इन दोनों को क्या बताया मैंने, इट इज अ कंपोजिशन ऑफ व्हाट, लुकास रिएजेंट। HBr तो ठीक है, दैट इज ऑफ KI के साथ रिएक्शन करेंगे तो आयोडाइड, तो हमारे पास में क्लोराइड भी बन गया, ब्रोमाइड भी बन गया, आयोडाइड बन गया, कहां से, अल्कोहल से, क्या कर लिया, OH को हमने रिप्लेस कर दिया, कहां से, हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, ये तीन रिएक्शन से, फाइन, ठीक है। अब और एक रिएक्शन ले लेते हैं, दैट इज ऑफ, इसको मैं नोट कर लेता हूं, दैट इज टाइटल के हिसाब से दे देता हूं, दैट इज कि व्हेन अल्कोहल इट इज रिएक्टेड फ्रॉम अल्कोहल, लेकिन इट इज अल्कोहल प्लस फॉस्फोरस हैलाइड, हम लोग इसे कह सकते हैं, ठीक है, जनरली हमें उसको कहना होगा फॉस्फोरस हैलाइड। अब फॉस्फोरस हैलाइड्स में हमारे पास में दो टाइप्स के हैलाइड्स हैं, ठीक है, फॉस्फोरस हैलाइड्स में दो टाइप्स के हैलाइड्स होंगे, एक आएगा कौन सा वाला PX3 आएगा और दूसरा कौन सा आएगा PX5, फॉस्फोरस हैलाइड PX3 और दूसरा कौन सा आएगा PX5। इन दोनों को हमें किसके साथ में रिएक्ट करना है, इंडिविजुअली अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करना है। PX3 को हम लोग कैसे बता सकते हैं, देखो दैट इज कंसीडर्ड एज अ फॉस्फोरस, कितने हैलोजन है, तीन है, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, ट्राई हैलाइड कह सकते हैं, है ना, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, तो उसी हिसाब से इसे क्या कहेंगे, फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड, ठीक है, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो चेक करो रिएक्शन कैसे होगी, इफ सपोज आई एम हैविंग एन अल्कोहल, ओके, एंड व्हेन दैट अल्कोहल इट इज ट्रीटेड विद PX3 एंड इन द सेम वे हम उसे कंपेयर करते हैं ताकि वो और आसानी से थोड़ी सी ध्यान में आ जाए आपके, ठीक है, दैट इज ऑफ PX5, ओके, तो
वही होने वाला है जो हमने इससे पहले के रिएक्शन में हेलो एसिड के साथ में देखा है, क्योंकि हम लोग हेलो अल्केन बना रहे हैं, तो हमें फिर से क्या करना होगा, OH को सब्स्टिट्यूट करना होगा, कैसे, हैलोजन से सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। तो रिएक्शन जब होती है तो वहां पे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उस हिसाब से हम लोग उसको बैलेंस करेंगे। तो जब PX3 के साथ में जब रिएक्शन होगी तो PX3 के साथ में रिएक्शन होते वक्त यहाँ पे क्या मिलेगा, RX मिलेगा और दूसरा जो मिलेगा वो मिलेगा S3PO3, इस तरह का बाय प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इस तरह का अगर बाय प्रोडक्ट मिलता है तो नेचुरली यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इट शुड बी टेकन एज अ थ्राइस। तो ये एक रिएक्शन बनती है जहां पर अल्कोहल इट इज रिएक्टेड विद, इसका नाम मैंने क्या बताया अभी, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ में जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे बनने वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा, RX, और ये भी कितना रहेगा, थ्राइस, क्योंकि दिस इज ऑफ थ्राइस, ठीक है। सो थ्राइस ऑफ RX, इसको मैं कह सकता हूँ दैट इज ऑफ अल्किल हैलाइड। देखो वेरी सिंपल रिएक्शन, यू जस्ट हैव टू रिप्लेस द OH अगेन विद द हेल्प ऑफ X, दैट्स ऑल, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द अल्किल हैलाइड। PX5 के साथ में एक रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है, तो PX5 के साथ में इस तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, देखो एक RX मिलता है, एक HX मिलता है, एक मिलता है POX3, इस तरह से, ठीक है। तो ROH के साथ में जब रिएक्शन करेंगे तो फिर से क्या मिलेगा, RX, ROH के साथ में PX3 की रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, RX, दोनों में वही होने वाला है, OH के ट्रिपलेसेस बाय द X, दैट्स ओके, बट बिकॉज ऑफ द साइड प्रोडक्ट्स दे आर डिफरेंट, वी हैव टू बैलेंस द रिएक्शन। अब इसमें चेक करते हैं, देखो R एक है, ठीक है, दैट्स ओके, X कितने हैं, 5 है, तो यहाँ पे 1, 2 और ये 3, मतलब ये कितने हो गया, 5 हो गए। उसके बाद में ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, तो ये बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जो मिल रहा है ना, ये बाय प्रोडक्ट में से हम लोगों को वो बैलेंस करना जरूरी बनता है। लेकिन बेसिकली द थिंग इट इज दैट कि व्हेनेवर द अल्कोहल इट इज रिएक्टेड विद व्हाट, रिएक्टेड विद फॉस्फोरस हैलाइड, उसमें दो है, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ में रिएक्शन करेंगे या फिर पेंटाहैलाइड के साथ में रिएक्शन अगर करते हैं तो हमें मिलने वाला प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, RX3 रहेगा, मतलब हमें हेलो एल्केन मिलेगा, ठीक है। सो हमारे पास में ये दो रिएजेंट्स बनते हैं, PX3 PX5, बराबर है, PX3 PX5, ये किस लिए यूज करेंगे हम लोग, अल्कोहल में से OH को रिप्लेस करने के लिए, किससे, हैलोजन से रिप्लेस करने के लिए हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो व्हेनेवर यू हैव कम अक्रॉस द कन्वर्शंस, जब आपको एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप में कन्वर्शंस होंगे, तो जब भी ये पर्टिकुलर PX3 PX5 जब भी एरो पे आएगा, ध्यान में रखना, एरो पे अगर ये दिया है PX3 यूज किया है या फिर PX5 यूज किया है, तो उसमें हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे कि OH गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय दी X, that's it. जो भी X दिया होगा, whatever it is of chlorine होगा, iodine होगा या फिर bromine होगा, ठीक है, इस हिसाब से इसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं। So that is again another reaction जहाँ पे आपको PX3, PX5 के साथ में रिएक्शन करके अल्कोहल को कन्वर्ट करना होता है अल्किल हैलाइड्स में, ठीक है। उसके बाद और एक रिएक्शन आती है जहां पर जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, देखो अल्कोहल है हमारे पास में, ठीक है, अब इस अल्कोहल की रिएक्शन में इसके साथ करूंगा SOCl2, ये और एक नया रिएजेंट है, और ये रिएक्शन करते वक्त यहाँ पे जनरली यूज किया जाता है PVD, ओके। और जब ये रिएक्शन होगी तो यू कैन राइटली डिफाइन इट, अब तक हमने हर बार क्या किया, OH को कैसे रिप्लेस कर दिया, हैलोजन से, तो आपके पास में हैलोजन देखो कहां पर है, ये यहां पर है, कौन सा है, क्लोरीन है, तो होगा क्या, वही होगा, OH कैसे रिप्लेस होगा, Cl से रिप्लेस होगा, तो यहां पे मिलने वाला प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, RCl, ये फिक्स है। हमने PX लिया तो X कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे तो फिक्स है SOCl2 है, SOCl2 है तो हमेशा ये क्या बनाएगा, क्लोरीन ही बनाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन आयोडीन नहीं है, इसलिए ये ब्रोमाइड आयोडाइड नहीं बनाएगा, ये हमेशा क्या बनाएगा, क्लोरीन ही बनाएगा। और साइड प्रोडक्ट में और क्या मिल रहा है, आगे HCl और SO2, ये दोनों के दोनों यहां से निकल जाते हैं, दैट्स ओके, ओके। और ये जो पिरिडीन होता है ना, ये पिरिडीन यहाँ पे बेसिक करके या बेस करके हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कोई एसिडिक इंप्यूरिटी अगर है तो एसिडिक इंप्यूरिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो जनरली यूज किया जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन का प्रोडक्ट और ज्यादा प्यूरिफाई हो जाता है। सो दैट इज व्हाई जनरली व्हाट वी हैव, देखो अल्कोहल ले लिया हमने, ठीक है, अल्कोहल ले लिया और अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ में कर ली, किसके प्रेजेंस में, पिरिडीन के प्रेजेंस में कर ली, क्या बना, Cl गेट रिप्लेसेस द OH एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ RCl, ठीक है, अल्किल क्लोराइड बन गया। अब इसका नाम क्या बनता है, इसका नाम बनता है सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, इसे जनरली क्या कहा जाता है, दैट इज ऑफ सल्फोनिल क्लोराइड, या फिर इसे दूसरा नाम देते हैं
दैट इज सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स को जनरली हम लोग थायो कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो नोन एज वॉट, थायोनिल क्लोराइड। फाइन, ये एक रिएक्शन होती है। देखो, अल्कोहल इज रिएक्टेड विद SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ PEDL एंड इट इज कन्वर्ट द अल्कोहल इनटू द RCl, ठीक है। SOCl2 का मतलब क्या बना, सल्फोनिल क्लोराइड या फिर थायोनिल क्लोराइड, एंड इट इज परफेक्टली कन्वर्टेड इनटू द RCl, अल्किल क्लोराइड में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जीरो के नाउ दिस इज अ नेम रिएक्शन, और ये नेम रिएक्शन जो है इसे जनरली कहा जाता है, इसका क्या नाम है, इसे कहा जाता है डार्क।